The next chapter, what's that? Underwriting. Underwriting of shares. Chalo, likho wahan pe. Underwriting of shares. On the next line, right? There are terms to remember. Terms to remember. First one. Gross liability. Second, marked applications. Third, unmarked applications. Fourth, firm underwriting. Full stop. कितने टर्म्स याद रहने चाहिए? अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? ऐसा सुना है तुम लोग ने कुछ? क्या सुना है? ये खतरनाक है, तुम लोग सब सेम ही हो. एफएम में भी ऐसा करते थे, इन लोगों को कुछ पूछता था ना, सुना है, सब लोग हाँ बोलते थे. फिर बोला क्या सुना? नहीं सुना है. क्यों जरूरत पड़ेगी ऐसी? है ना, कितना परसेंट है बेटा वो? 90%. सो इफ द कंपनी इश्यूज द शेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी विल इश्यू द शेयर्स बिकॉज दे वांट मनी. देन अपना कंपनीज एक्ट सेज दैट एटलीस्ट 90% एप्लीकेशंस आना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. मतलब अगर मैं डिसाइड करेगा कि मेरे को 50 करोड़ इश्यू करने का है, तो 45 करोड़ का तो इश्यू होना ही चाहिए. ऐसा क्यों बोला है मालूम है कंपनीज एक्ट में? कि फॉर एग्जांपल अगर 45 करोड़ से कम आए ना, तो कंपनीज एक्ट का मानना है कि अपने को तो पैसा चाहिए था. जिसको पैसा मिल रहा है वो तो हाँ बोल ही देगा. उसको बोलेंगे बेटा देख, तेरे को 50 करोड़ नहीं मिल रहा है, 40 करोड़ मिल रहा है, तो बिजनेस कर लेगा? तो वो तो हाँ ही बोलेगा. यस और नो? पर कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं, फॉर वो बिजनेस ना बराबर नहीं चलेगा. बिकॉज ही प्लान्ड फॉर हाउ मच एंड देन ही इज रनिंग द शो एट हाउ मच. So that means he has curtailed some of his operations. Yes. And that means business will not run properly. The business will face a loss. And ultimately, these people who have given 40 lakhs will lose their money. So Companies Act ne bola, minimum kitna percent aana chahiye? Ab isse bachne ke liye, aisa ki kam aaye usse bachne ke liye, we have got people who can give a guarantee. They are known as? Underwriters. Hai na? Now what happened in today's world? We have companies who collects huge capital, huge. The largest possible issue that has happened in our country is by a company known as Coal India Limited. And they issued shares worth 15,000 crore rupee. 15,000 crore. Itne ka public issue kiya wo log. Do you agree? Now, do you think that one underwriter will come forward and underwrite this? तो डूब जाएगा वो, अपने आप को बेचेगा तो भी पैसा नहीं आएगा, है ना? तो we have many underwriters. अब सारे underwriter ने बोला भाई मैं इतने का issue लेके आएगा, मैं इतने का issue लेके आएगा, मैं इतने का issue. सब लोग ने बोला. At the end, 15,000 crores में से हमें 10% short मिला, 1,500. तो नाउ द क्वेश्चन इज, हम किसको पकड़े? बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे अंडर राइटर ने काम नहीं किया. कैन आई से सम अंडर राइटर्स माइट हैव वर्क्ड वेल, देर आर सम अंडर राइटर्स हु हैव नॉट वर्क्ड वेल. सो बेसिकली दिस चैप्टर टेल्स यू हाउ टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी. किसको पकड़ना है, किसको वो शेयर्स जबरदस्ती लेना पड़ेगा. बिकॉज आफ्टर ऑल इफ दे आर प्रॉमिस दे विल हैव टू बाय बाय देयर ओन सेल्फ. सो दैट इज द चैप्टर. क्लियर? एंड द टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट वन इज वॉट? मतलब इन व्हाट रेशियो द अंडरराइटर्स हैव अंडररिटन द शेयर्स. सो लेट्स से देयर आर थ्री अंडरराइटर्स, दे हैव अंडररिटन इन द रेशियो 5-3-2. सो दिस 5-3-2 विल बी नोन एज अ ग्रॉस लायबिलिटी. नेक्स्ट वन, अभी ये तीनों ने अंडररिट तो कर लिया, बट कैन आई से एवरीबॉडी विल हैव टू प्रूव दैट मैंने अपना काम किया?
तो ये लोग कंपनी से एप्लीकेशन फॉर्म्स लेगा, अपना स्टैम्प मारेगा उस पर और फिर लोगों के पास जाएगा, तू ले ले ये अच्छा वाला है, तू ले ले ये अच्छा वाला है, फिर लोग भर देंगे। तो वो अंडरराइटर का नाम भी चलता रहेगा ना कि हाँ ये अंडरराइटर का स्टैम्प है, ये अंडरराइटर का स्टैम्प है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मांच एप्लीकेशन। देन देयर आर थर्ड सेट नोन एज व्हाट? अभी थोड़े लोग ऐसे जो अंडरराइटर से नहीं गए, डायरेक्ट कंपनी में पहुंच गए, तो कंपनी को तो शेयर ही बेचना था, तो अंडरराइटर बेचेगी, मैं बेचूं डायरेक्टली क्या फर्क पड़ता है? कंपनी विल नॉट से तू अंडरराइटर के पास जा। अभी वो कौन से अंडरराइटर का नाम दे? एक का नाम देगा तो दूसरे दो को बुरा लगेगा, तो वो ऐसा करता ही नहीं। वो क्या बोलता है? तू बैठ जा इधर ही, फॉर्म भर, और उस पर किसी का स्टैंप नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंड द फोर्थ कैटेगरी इज नोन एज व्हाट? फर्म अंडर राइटिंग इज अ प्रॉमिस गिवन बाय अंडर राइटर्स दैट दे देमसेल्फ विल बाय द शेयर्स हैप्पीली। हैप्पीली, जबरदस्ती वाला नहीं। अंडर राइटिंग शॉर्ट हुआ, जबरदस्ती उसको बोलेगा, वैसा नहीं। वो खुद से खुशी से लेना चाहता है। और उसमें भी बेनिफिट क्या है मालूम है उन लोग का? दैट तुम लोग ने ये भी सुना होगा, इश्यू कैन बी ओवर सब्सक्राइब, तो वो प्रो रेटा होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट होता है। तो अंडर राइटर क्या बोलता है मालूम है? देख, अगर ना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, तो वो प्रो रेटा मेरे को अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बाई 5,000 शेयर, दैट मीन्स द कंपनी शुड गिव मी 5,000 शेयर। एंड कंपनी विल आस्क व्हाई विल आई गिव यू 5,000? बोले अंडर राइट कर रहा ना तेरा इतना बड़ा इश्यू, थोड़ा तो बेनिफिट है ना। सो दैट इज नोन एज वॉट? फॉर्म अंडर राइटिंग। विल यू रिमेंबर दिस फोर टर्म्स? पहला कौन सा, सेकेंड कौन सा, थर्ड कौन सा, एंड द लास्ट वन? अब ये चैप्टर में दो चीज़ें आ सकती है। फर्स्ट, दे कैन आस्क यू टू प्रिपेयर अ टेबल टू फिक्स द लायबिलिटी, एंड सेकेंड दे कैन आस्क यू जर्नल एंट्री। खाली टेबल का क्वेश्चन आएगा, देन इट कैन बी 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क का। जर्नल एंट्री के साथ क्वेश्चन आएगा, देन इट कैन गो टू 8 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। क्लियर? हम लोग दोनों सीख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आई एम ऑन पेज नंबर 4.29। A joint stock company, X, Y, and Z are underwriters. Chalo, can I start? First, a joint stock company resolved to issue 10 lakh equity shares of 10 each at a premium of how much? 1 lakh of the shares are taken up by director of the company, their relatives, their associates, and their friends, and the entire amount was received forthwith. The remaining shares were offered to the public and the entire amount was being asked for with what? मतलब कितना shares था पहले तो? 10 lakh में से 1 lakh कौन लेके गया? वो अपने friend relative लेके गए, उसका अपने को entry pass नहीं करने का भाई। अपने लिए कितना share बचा? And they are asking you 1 rupee premium है, and पूरे का पूरा पैसा on application collect करने का है। Next one. The issue was underwritten by X, Y, and Z for a commission of kitna percentage? On what? Underline the word of the issue price. That means you will take a commission on not 10 rupee but on? Next one. 65% of the issue was underwritten by X, while Y and Z were 25% and 10% respectively. Do you agree with 65, 25, and 10 as the gross liability? The firm underwriting were as follows: X को 30,000, Y को 20,000, Z का 10,000. The underwriters were to submit the unmarked application for the shares underwritten firm with full application money along with members of what? General public. Marked applications are as under: X का 119,500, Y का 57,500 and Z का कितना? 10,500. Unmarked applications total to how much? 7 lakhs. Accounts of the underwriters were promptly settled. You are required to prepare a statement by calculating underwriter's liability for shares other than shares underwritten firm and pass a journal entry for all the transactions including what? Yaar, hum log entry pass karenge to sab bhi karenge. Do kaam hai na? Pura 8 mark ka question hai, full on. Pehle kya banana hai? Statement. Aur phir kya banana hai? Journal entries. क्वेश्चन नंबर बोलो 3।
How many underwriters? Three. X, Y, Z. What is the ratio? 65%, 25%, 10%. Do you agree? Chalo. So, sabse pehle gross liability. How much was total shares to be underwritten? 9 lakh or 65%? 585. Calci haath mein rakhne ka? 225, 90. पक्का सबसे पहले माइनस करने का मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर माइनस करने का अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर माइनस करने का फर्म अंडरराइटिंग. समझा? क्या माइनस करने का पहले? क्योंकि तो नाम ही था. फिर क्या माइनस करने का? अनमार्क्ड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. स्टैंप ही नहीं था ना किसी का, तो अल्टीमेटली कंपनी को तो 9 लाख शेयर्स ही बेचना था ना. सो एनीबडी हु इज कमिंग डायरेक्ट कैन आई से वो अंडरराइटर से माइनस होते जा रहा है, तो भाई मैं उनसे माइनस करेगा बट उन तीनों को बेनिफिट दे देता है. कौन सा रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी वाला रेशियो. डू यू अग्री? चलो फर्स्ट वन मार्क्ड कितना था? मार्क्ड 1,19,500. नेक्स्ट Next, 10,500. And next one, how much was unmarked? 7 lakh or 65%? 455. Next one? 1 lakh? 75. Last one? 70. Uske baad kya minus karoge? Firm. X ka? Y ka? Z ka? Calci hai na hath mein? चलो 585 माइनस 1,19,500 माइनस 455 एंड माइनस 30,000. गाइस इज इट 19,500? इज इट माइनस? उसका मतलब मालूम है तुम लोग को कि एक्स ने ना बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक्स इज एक्चुअली कंप्लीटेड इज वर्क. माइनस का मतलब ऐसा नहीं बुरा काम किया, माइनस का मतलब अच्छा काम किया. Got it? उसको सिर्फ 585 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन लेके आने का, तो वो ज्यादा एप्लीकेशन लेके आया, इतना ज्यादा लेके आया वो. चलो व्हाट इज नेक्स्ट? 27,500 प्लस और माइनस? ये भी माइनस. एंड द नेक्स्ट वन? ये भी माइनस. नहीं हो सकता, क्वेश्चन रॉन्ग रीड किया. द मार्क्ड एप्लीकेशंस वेर एज फॉलोज. 1,19,500 plus 57,500 plus 10,500 is 1,87,500 plus 7 lakh, that is 8,87,500. Upper paragraph, the underwriters. Na beta, usse koi farak nahi padta. X at 30,000, Y at 20,000, Z at 10,000. The underwriters were to submit. Underline the word. The underwriters were to submit. Unmarked applications for the shares underwritten firm. The underwriters were to submit unmarked applications for the shares underwritten what? Firm. Underline kiya? I'm just not taking up this question right now. Pehle main ek aur question karata hun, fir yahan pe aata hun. Are we clear? Woh tumhare assumptions thode hil jayenge, but ye karenge zarur. Bahut important hai. Page turn kar lo. इसको चेंज कर देता है और मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं. स्कॉर्पियन लिमिटेड वाला क्वेश्चन दिख रहा है? कैन आई स्टार्ट? चलो फर्स्ट Scorpion Limited came out with an issue of 45 lakh equity shares of 10 each at a premium of how much, guys? 2%. The promoters took 20% of the issue. Underline the word promoters took 20% of the issue. 45 lakhs ka 20% kitna hota? 9 lakh. 45 minus 9. 36 bacha.
And the balance was offered to the public. The issue was equally underwritten by whom? Next one. Each underwriter took firm underwriting of? Subscriptions total to? Were received with marked forms for underwriter are as follows. Total 31 lakh ka subscription aaya, usme se marked form of A, B and C. Total kitna ho raha hai? Calci, 31 lakh minus 28 lakh 75,000. What is 225? The underwriters are eligible for the commission of 5% on what, guys? Underline the word 5% on face value. The entire amount towards subscription of shares has to be paid along with application. You are required to compute the underwriter's liability, compute the amount payable and due to the underwriter, and pass the journal entry. Again, typical 8 marker. First one. Who are 3 underwriters? A, B, C. What's the ratio? Matlab 1, 1, 1. Gross liability kitna tha total? 36 na? Is it 12 and 12? Chalo, next. How much is marked application? 725 840 1310. How much is total unmarked application? Divided in which ratio? 75 75 75. Do you agree? Marked application ke baad form, I guess 1 lakh 1 lakh 1 lakh. Am I correct? Calci utao. 12 lakh minus 725 minus 75 8 and minus 1 9, total 9. Is it 3 lakhs plus or minus? 12 lakh minus 840 minus 75 minus 1 lakh. Plus or minus? Next one. 12 lakh minus 1310 minus 75 minus 1 lakh. 280 minus? Jo piecemeal mein seekha wohi. Ab jo negative hota hai, usko zero karne ka. Kaun share karega? Which ratio? Gross liability. Chalo, 285. 140 to 500. Perfect, guys. This is 285 plus. Chalo, minus kar do. 1,57,500. 42,500 and out. Guys, this is known as net liability. क्या कहते हैं इसको? कैसे कैलकुलेट करते हैं? एकदम आराम से ये तो समझा. अब टोटल करो. 157,500 प्लस 42,500. पक्का? हाउ मच वाज अंडरराइटन? टोटल अंडरराइटिंग 36 लाख. मार्क्ड और अनमार्क का टोटल कितना था? 36 माइनस 31 5. इन लोग ने फर्म अंडरराइटिंग कितने का लिया था? 1, 1, 1, 3. 5 minus 3, 2 का शॉर्ट था. और हमारा चैप्टर यही कहता है कि पकड़ो. किसको पकड़ा? ए को और बी को. सो ए विल हैव टू बाई 157,500 कंपल्सरी एंड बी विल हैव टू बाई 42,500 कंपल्सरीली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? प्लस प्लस ये नेट लायबिलिटी आया प्लस फर्म अंडरराइटिंग. अगेन पहले फॉर्म माइनस किया था बिकॉज हमें नेट पे आना था. बट कहना इसे फॉर्म तो वो लोग खुद बोला ही था खरीदने वाला है. तो हाउ मच आर दे गोइंग टू बाय? 1 lakh 1 lakh and 1 lakh. सो नाउ यू विल हैव अ टोटल ऑफ 257,500 142,500 एंड 1 lakh. एंड गाइज दिस इज नोन एज द टोटल लायबिलिटी. क्या कहते हैं इसको? And the total liability will be एकदम simple वाला calculation. Underwriting minus marked and unmarked. So if I take a 257,500 plus 142,500, is it total of 4 lakhs plus 1 lakh? Is it 5 lakhs? Total underwriting 36 था, marked and unmarked 31 था, कितना short था? 5. समझा?
और यही प्रोसेस चलेगा सब में. तो पहले ग्रॉस, ग्रॉस के बाद क्या माइनस करोगे, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस करने का, प्लस माइनस के बाद नेट, नेट में वापस फॉर्म ऐड कर देने का, टोटल. नाउ कम्स अमाउंट्स. अमाउंट्स तभी निकालने का अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है तो, अगर जर्नल एंट्री पूछा है तो ये अमाउंट के कैलकुलेशन करेंगे. अभी क्लियर? फर्स्ट लाइन, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट. और ये जो सारा कैलकुलेशन हो रहा है ना, वो सिर्फ अंडरराइटर का हो रहा है. सिर्फ किसका? अंडरराइटर का. तो कंपनी को अंडरराइटर से कितना पैसा मिला, दैट इज नोन एज अमाउंट रिसीव. दैट इज फॉर्म एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी. कौन सा? सी, ये तो कहना है हम लोग ने बाद में पकड़ा कि ये लेना पड़ेगा उनको. सो डेफिनेटली दे हैव नॉट पेड फॉर दिस शेयर, दे विल पे फॉर दिस शेयर, बट दे हैव नॉट पेड फॉर दिस शेयर टिल नाउ. सो व्हाट हैव दे पेड फॉर? फर्म, बिकॉज ये तो उन लोगों को शॉर्ट शॉर्ट खरीदना ही था. इनटू व्हाट? एप्लीकेशन मनी भरा उन्होंने. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, दे सेड एंटायर अमाउंट इज बीन कलेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ओनली. सो कितना था टोटल अमाउंट ऑफ मनी? 12 रुपी. सो गाइस, 1 लाख इनटू 12, is it 12 lakh? Is it 12 lakh? Is it 12 lakh? What is this amount? Amount received. Next line, amount due. Amount? मतलब कितना लेना था? So this will be, guys, total liability into application plus allotment money. टोटल लायबिलिटी. अभी फॉर्म लायबिलिटी नहीं, अभी कौन सा लायबिलिटी? कहने से अभी ये लोग को ये शेयर खरीदना ही पड़ेगा. और कौन सा पैसा भरना पड़ेगा इन लोगों को? एप्लीकेशन का तो भरना ही पड़ेगा, प्लस कौन सा भरना पड़ेगा? अलॉटमेंट भी. आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अमाउंट ड्यू? फर्स्ट लाइन पे क्या लिखोगे? अमाउंट. सेकेंड लाइन पे क्या लिखोगे? अमाउंट. गॉट दैट? अमाउंट रिसीव्ड. नेक्स्ट वन इज अमाउंट ड्यू. सो अमाउंट ड्यू में टोटल लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट. एसी चालू है दोनों? एसी चालू है दोनों? पक्का? गर्मी हो रहा है थोड़ा, चेक करना जरा एक बार. सुबह को ठंडी लग रहा था, अभी गर्मी लग रहा है. बैक टू द लॉजिक प्लीज. हाँ, समझ रहे हैं यहाँ तक? सो नाउ इज इट 257,500 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंटायर पूरा 12 रुपी. कैलकुलेटर उठाओ. हाँ, दैट इज रिसीव्ड. यस, सो दैट्स व्हाट इट ड्यू. चलो 257,500 इंटू 12. फोन नंबर नहीं दो? पक्का? 142,500 into 12. And last one, 1 lakh into 12. Next one is known as net receivable. Is known as what? और कितना लेना है? आपको 3090 चाहिए था, कहने से उसमें से 12 तो आ गया, तो बचा कितना? 1890. 5, 10 nil. This is known as net receivable. Next one, underwriting commission. Underwriting commission. Are we clear with that one? अभी underwriting commission भी pay करना ही है ना उन लोगों को. How much percentage? On what? How much was the face value? 10 into 5%. कैलसी अलाउड है? फटाफट फटाफट, थोबड़ा नहीं देखने का. दोपहर का खाने के बाद तो है ना, पता नहीं मैं अपने आप को सिखा रहा है. 0.5 into 12 lakh is the number of shares into 12 lakhs. That means I have to pay them a commission of how much? 6 lakh.
Can I say idhar bhi 6 lakh, idhar bhi 6 lakh? So commission is 6 lakh, commission is 6 lakh, commission is 6 lakh. Concept samjha? Yes. And final column again, net. Kitna lena tha? 6 lakh ka commission dena tha. So 1290 I will receive. 90,000 I will pay. 6 lakh I will pay. Is this clear? How many lines of calculation? 5. Upar ke baad. Upar ka standard samjha? नीचे का भी करने का कैलकुलेशन ओनली इफ दे आर आस्किंग यू व्हाट. कितना लाइन? पहला लाइन फर्म एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी. सेकंड दैट इज टोटल लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट. नेट आ जाएगा. अंडरराइटिंग कमीशन डाल दो, वापस नेट आ जाएगा. और ये अमाउंट से भी हम जर्नल एंट्री बनाएगा. एकदम प्यार वाला जर्नल एंट्री है. एंट्री नंबर 1 बैंक, 2 शेयर एप्लीकेशन. आई गेस इश्यू ऑफ शेयर्स का एंट्री थोड़ा बहुत याद हो तो कहना चाहिए. फर्स्ट एंट्री वॉज रिसीविंग एप्लीकेशन 12 लाख 36 लाख. कॉन्सेप्ट समझा? व्हाट वॉज द सेकेंड जर्नल एंट्री? हाँ, ट्रांसफर. That's how I used to teach. Company account कभी पढ़ा था तो first entry was received, second entry was transfer. Allotment का first entry? Transfer. Receipt नहीं आएगा, transfer आएगा. उसके बाद? Receipt. और calls में पहला entry? Transfer. Due. Due is transfer बेटा. And next one? तुम लोगों को issue of share सिखा देता CPT का. Bank to share application to share capital. Share allotment to share capital, bank to share allotment. And the reality is that application ka transfer entry and allotment ka transfer entry dono ek hi date pe pass hota. Application milta hai, scrutiny hota hai. Scrutiny ho gaya matlab allotment procedure khatam ho gaya. Tab aap application ka paisa utha ke kahan daloge? Capital mein. उसी दिन अलॉटमेंट भी करोगे तो एक्चुअली एप्लीकेशन का ट्रांसफर और अलॉटमेंट का ट्रांसफर दोनों. एंड व्हाट्स अ ट्रांसफर एंट्री? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट का क्या एंट्री था? तो अभी एंट्री देखो. शेयर एप्लीकेशन ए बी सी टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. मतलब ये किसका एंट्री पास किया मालूम है? मैंने एप्लीकेशन भी ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट भी कर दिया. और अमाउंट्स एप्लीकेशन में 36 लाख आ चुका था ना. ए बी एन सी थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन नहीं, कौन सा लाइन? थर्ड लाइन. First entry first line, second entry is third line. 1890 and 510. 1890 and 510 and dash. Are you clear with that one? ये amount ढूंढने के दो तरीके. First one, calculator उठाओ. 36 lakh plus 1890 plus 510. जो भी हो, can I say this amount is received along with premium? How much was the premium? Total amount received is it 12? 60 lakh divided by 12. 5 lakh is the number of shares. 5 lakhs into 10. 50 lakh. 5 lakh into 2. 10 lakh. Another very common sense to understood about. Can I say total liability was 2,57,500, 1,42,500 and 1 lakh? Can I say ye number of shares allotment ke time jayega in logo ko? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर लो आप, 5 लाख आएगा. 5 लाख इंटू 10 50 लाख, 5 लाख इंटू 2 10 लाख्स. टोटल 60 लाख रुपया लेना है, उसमें से 36 लाख रुपया आ चुका है. कितना पैसा और लेना है?
24, और वो 24 किससे लेना है? वो रेडीमेड था अपने पास उधर, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, वो टेबल याद कर लो, सारे एंट्रीज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. एंट्री नंबर 3 अंडरराइटिंग कमीशन का एंट्री है. सो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट बिकॉज एक्सपेंस है 2A 2B 2C. अमाउंट इज 18 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख. डन. दिस इज एंट्री नंबर कौन सा? 3, जो फोर्थ लाइन पे था. फाइनली ए को 18 लाख 90 के लिए डेबिट किया, पर बाद में उसको 6 लाख के लिए क्रेडिट कर दिया, तो उसे कितना पैसा लेना है? लेना है, देना है? लेना है. बी को देना है, सी को जिससे लेना है ले लो, जिसको देना है दे दो. किससे लेना है? एंट्री नंबर 4 बैंक 2A. इज दिस 1290? किसको देना है? 5BC टू बैंक. अमाउंट 90, 6 लाख, 690. दिस आर द जर्नल एंट्रीज दैट आई हैव पास्ड ओनली एंड ओनली फॉर होम अंडरराइटर्स. पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री नहीं पास करना है इस चैप्टर में. सिर्फ किसके लिए एंट्रीज पास करना है? अंडरराइटर. फर्स्ट एंट्री फर्स्ट लाइन, सेकेंड एंट्री थर्ड लाइन, थर्ड एंट्री फोर्थ लाइन, एंड लास्ट वन इज द नेट एंट्रीज फॉर द लास्ट लाइन. Got that? Surely. ये सोल्यूशन शायद डिफरेंट हो सकता है तुम्हारे बुक्स में. आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस डाउन एंड वील सॉल्व वन क्वेश्चन टूगेदर नाउ.
Can we go ahead? Yes. A question साथ में अभी. Question number 5. ये कौन सा question था? 4. We are doing 5. And that is, I guess, on Gemini. Can I start? Gemini Limited came up with a public issue of 30 lakh equity shares of rupee 10 each at 15 per share. 10 each at 15. Is it a premium of 5? Yes. ABC took underwriting issue in the ratio of 3 to 1. Applications were received for how many shares? 27 lakh shares, and the marked applications were 8 lakh, 7 lakh and 6 lakh. Guys, 8, 7 and 6. 21, and applications were received for 26, 7. Is it 6 lakh? Yes. Commission payable to underwriter is kitna percent? On the face value of shares. Relatively simple question. Table banate, entry aise discuss kar lete. Because isme firm underwriting to hai hi nahi. To question mein koi zyada dam hai hi nahi. Can we start? In fact, तुम लोग ये solve भी मत करो, मैं बोलता हूँ. Let me solve it, you can give me the answers. Question number बोलो. Who are the underwriters? A, B, C. What is the ratio? 3 to 1. What's the gross liability? 30 lakhs का 3 to 1. चलो गाइस, कैलसी अलाउड है. 15 लैक्स, 10 लैक्स, 5 लैक्स. आई सेड यू कांट अफोर्ड टू रिलैक्स इन माय लेक्चर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आंसर नहीं आना किसी को. कौन से फ्लोर पे बैठा है तुम लोग? नीचे भगाएगा, वापस ऊपर बुलाएगा विदाउट लिफ्ट. हाँ, सब नींद उड़ जाएगा. क्लास में हो? आंसर चाहिए मेरे को क्विक फायर. चलो, लेस व्हाट? पहले कौन सा लायबिलिटी? बोलो क्या है? 6 लाख. सेकंड इज 7? 8, 7, 6. लेस व्हाट गाइस? अनमार्क्ड. बोलो टोटल कितना? 6, 3, 2, 1. फर्म है? है ही नहीं. पूरे क्वेश्चन में फर्म ही नहीं है. 15 minus 8 minus 3, 4, 10 minus 7, minus 2, minus 2, 1, normal 1, 5 minus 6 minus 1, minus 2, will be born by A and B, in which ratio? 3 to 2, 2 lakh in 3 to 1.2, 0.8, pakka? 4 minus 1.2, 2.8, 0.2. Is it net liability? Yes. Total kitna tha? 30 lakhs? Yes. How many were total applications? 27. 30 minus 27? 3. 2.8 and 0.2. Pakka? Match hona hi hona hai all the time. Uske baad wapis form add karne ke liye kuch hai hi nahi tumhare paas. नेक्स्ट थिंग टू बी noticed, कभी एक को माइनस करते करते अगर दूसरा माइनस हो जाए तो उसको वापस प्लस करना पड़ेगा. और वो ट्रांसफर किस पे करोगे? द फर्स्ट वन. इज दिस क्लियर? अल्टीमेटली प्लस ही बचना चाहिए. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी अगर यहाँ पे मैं अमाउंट्स की बात करूँ, व्हाट्स द फर्स्ट कॉलम? अमाउंट रिसीव्ड में क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं. सो नेक्स्ट कौन सा आएगा? अमाउंट ड्यू. Is it total liability is nothing but 2,80,000 shares into what? 15. Chalo, 2,80,000 into 15. 42. And 0.2 into 15. 3 lakhs. 3 lakhs. So guys, amount receivable. Is it 42 and 3? Yes. Next one kya aega? Underwriting commission. Is it 15 lakh? Yes. Kitna percent bola hai? On what? तो फेस वैल्यू इज व्हाट? 10. 10 का 5% इज 0.5. 0.5 इंटू 15 लाख 7 लाख 50. 5 लाख 250. 42 माइनस 7.5
34.5, 3 minus 5, 2, dash minus 2.5, 2.5. Do you agree with that one? This is the money to be received. This is the money to be paid. Entry number 1. No entry. No entry. Entry number 2. A, share application to tha hi nahi na. So A, B, to share capital, to security premium. Third entry, underwriting commission to A, to B, to C. Fourth entry, bank to A. Fifth entry, B, C to bank. But agar firm application aata hi nahi hai, to question mein koi dam nahi bachta hai. So it basically becomes a very 6-marker type of a question. Is this clear? Chalo, check the next one then. Ye kaun sa tha? Question number 6. Kaun hai abhi isme? X Limited. Can I start? X Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at par. The entire issue was underwritten as follows. A by 60,000 shares. Firm underwriting kitne ka tha? B by 30,000 shares. Firm underwriting was 10. C by 10,000 shares. Firm underwriting was how much? Total application including firm underwriting was how much? Total application including firm. Matlab iske andar firm bhi aa gaya? 80. Total kitna tha underwriting? 1 lakh और 80 का including firm आ चुका है, shortage कितना? 20. Can I say net 20 आना चाहिए? Net. बराबर है? और total कितना आना चाहिए मालूम है? 20 plus 8, 10 and 2? 40. पहले आप सब minus करोगे, फिर net आएगा. तो उसने बोला 80,000 application also includes what? Firm. तो कहना है से ये तीनों माइनस हो जाएगा फिर 20 आना चाहिए इधर आंसर तुम्हारा मतलब 1 लाख में से 80 माइनस करोगे तो 20 आना चाहिए कहना है से प्लस वापस जाके हम फर्म ऐड करेंगे एंड फर्म वाज हाउ मच गए 8 10 एंड 2 20 और सो 20 प्लस 20 टोटल कितना हो जाएगा 40 सो आपका नेट लायबिलिटी आना चाहिए 20 आपका टोटल लायबिलिटी आना चाहिए 40 नेक्स्ट मार्क्ड एप्लीकेशंस आर एज़ फॉलोस 20,000 14,000 एंड 6,000 हाउ मच इज 20 प्लस 14 प्लस 6 40. How much was total application? 80 के अंदर firm भी था. Firm कितना था? 20. So 80 में 20 firm था, balance बचा 60. 60 में 40 marked है, तो unmarked 20. Next, the underwriting contract provides that. Now ये question इसके लिए कर रहा हूँ मैं. The underwriting contract provides that credit for unmarked application. Be given to the underwriters in the proportion of what? अगर वो लोग ये लिखे भी नहीं कहने से फिर भी हम लोग यही कर रहे हैं बट बी केयरफुल हाँ कभी कभी ना ये लोग स्टेटमेंट बदल डालते हैं आई रिमेंबर एक क्वेश्चन अभी मुझे पता नहीं इसके अंदर है कि नहीं उसमें उन्होंने क्या बोला मालूम है द अनमार्क्ड एप्लीकेशन शुड बी गिवन टू ए एंड सी इन इक्वल रेशियो तीन लोग था अगर वो लोग हमें कुछ नहीं बोले तो हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट कैसे देते हैं ग्रॉस था अब ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि कौन से लायबिलिटी में दो ग्रॉस हम करते ही है बट आई सीरियसली रिमेंबर वन क्वेश्चन जहां पे तीन की जगह पे उन्होंने किसको देने को बोला सिर्फ दो को और वो भी कौन से रेशियो में तो वी विल हैव टू डू दैट सो बी केयरफुल ऑफ दैट स्टेटमेंट पक्का नेक्स्ट डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर नाउ इन दिस क्वेश्चन ये लोग बोल रहे हैं खाली टेबल बनाओ मैं सिर्फ टेबल नहीं बनाएगा आई विल प्रिपेयर द टेबल एंड ऑल्सो पास द एंड वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर कैन वी चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो टाइटल पे How many underwriters, guys? What are the name? So write there question number 6. Write there A, B,
C. Can I start working on this? Bolo, what is the first line? Ratio likh du pehle main? Always mera habit hai ratio likhne ka. So I guess ratio is what? 631. And your gross liability is 60, 30, and 10. Got that? Chalo, less what guys? Marked application. How much was marked? 20, 14, and 6. Less what? Unmarked kitna tha? 20,000. Sabko 20 ka calculation pata chala? Kaise kiya malum hai? Total 80 tha. 20 mark nikala, to 60 bacha. 60 mein se mark to actually firm nikala pehle, haan? Mark kitna tha khali? 40. To bacha kitna aur? 20. And kaun se ratio mein baatne ka usko? 6, 3, 1. 12,000, 6,000, 2,000. Fir kya less karenge? Firm. 8, 10, 2, 60 minus 20 minus 20, 20, 30 minus 20 minus 10. Is it nil? Yeah. 10 minus 10. Is it nil? So guys, net liability kiske naam pe aa gaya? सिर्फ ए ने काम नहीं किया था खाली और प्लस माइनस अपने को खेलना ही नहीं पड़ा. प्लस क्या ऐड कर देंगे? फर्म अगेन 8, 10, and 2. सो नाउ द टोटल विल गो टू 28, 10, and 2. इज इट द टोटल लायबिलिटी? चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. हाँ, अमाउंट्स भी चाहिए मुझे अभी. व्हाट्स द फर्स्ट लाइन? अमाउंट रिसीव. हाँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्म इनटू एप्लीकेशन मनी. हाउ मच इज द शेयर इश्यूड एट? एंड दे आर नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, सो विल इश्यू एंटायर थिंग एट एप्लीकेशन ओनली. हाँ, सो फर्म इज व्हाट? 8 into 10, 80. 10 into 10, 1 lakh. 2 into 10 is 20. Pakka? Next one. Second line pe kya aega? Amount? Kya aana chahiye? Into application plus allotment. Got that? Bolo. अभी तो अलॉटमेंट का पैसा भी भरना पड़ेगा ना उसको. ऑफकोर्स 99% ऐसे ही होता है. नो बडी एक्चुअली नाउ बडीज इश्यू द शेयर्स एट एप्लीकेशन कॉल एंड ऑल दैट थिंग. प्रैक्टिकली तो होता ही नहीं है, सब एप्लीकेशन पे कलेक्ट करते हैं. पर अगर क्वेश्चन को मस्ती सूझा किसी दिन तो जब भी उन्होंने एप्लीकेशन भरा होगा, इवन अंडर राइटर ने, तो उसने ना कभी भी ये जो नेट लायबिलिटी था उसका तो वो एप्लीकेशन भर नहीं सकता है, बिकॉज उसको थोड़ी पता था कि कम आएगा. तो उसने उसका एप्लीकेशन किसका भरा होगा? खाली फर्म का. और एप्लीकेशन के टाइम पैसा कौन सा देना होता है? एप्लीकेशन मनी. स्टेज वन हो गया. नाउ अब पता चला किसने कम भरा होगा, तो हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ली होगी. सो नाउ दे विल हैव टू पे द मनी ऑन द टोटल लायबिलिटी, नॉट ओनली ऑन एप्लीकेशन मनी बट ऑन द टोटल लायबिलिटी. And by the time the process is over, so they have to pay the allotment money also. So amount due, I am not saying amount to be more received, amount due, kitna hona chahiye tha? Application plus allotment by total liability. Is it 28,000 into 10, 2,80,000? Yes. 1 lakh into 10, is it 1 lakh? Yes. And last one is 20,000 into 10, is it 20,000? Third line pe kya banega?
नेट रिसीवेबल कितना रिसीव करना है, 2 लाख. किससे रिसीव करना है, सिर्फ ए से. बी और सी से तो कुछ नेट आ ही नहीं रहा. नेक्स्ट वन इज अंडरराइटिंग, कितना परसेंट बोला ही नहीं है, ऐसे ही ले लो 5%, अपना मर्जी. प्रैक्टिस कर रहे हम क्वेश्चन बेटा. हाँ कमीशन तो देना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी काम करवाना है. मेरा मर्जी, मेरे को 5 देने का, तुमको नहीं देने का, तुम 4 दो. आई एम जस्ट लुकिंग एट अमाउंट्स का कैलकुलेशन, इट्स माय सेंस. कितना परसेंट बोल रहा हूँ मैं, 5%. चलो कैसे किया, 60,000 इंटू 10 इंटू 5% कितना आ रहा है, 30,000. कमीशन इज 5%, इट इज आर क्वेश्चन नाउ. खाली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा था. बोलो नेक्स्ट, 15,000. नेक्स्ट, 5,000. चलो फाइनल नेट आ गया 2 लाख माइनस 30, इज इट 170? विल वी रिसीव और वी हैव टू पे? विल रिसीव. हाउ मच टू पे, 15, एंड हाउ मच टू पे, 5. Are we clear? Done? Next one, journal entries. You tell me, what is the first journal entry to pass? Share application to what? तो ऐसा पूरा बोलने का ना, bank to share application. Amount कौन सा? First line. फर्स्ट लाइन फर्स्ट एंट्री. आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. हाउ मच? 2 लाख. वंडरफुल. अब सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट कौन सा लाइन देख रहे हो अभी? सिर्फ थर्ड लाइन. कहने से खाली यही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर कैपिटल. कोई प्रीमियम आ रहा है? नहीं. अच्छा शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट कौन सा लिखोगे? 2 लाख. ए पे अमाउंट कौन सा लिखना है? क्यों? 2 लाख. 2 लाख टोटल कितना हो गया? 4 लाख गोज टू कैपिटल. और चेक कर लो, देखो मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, क्या करना है मालूम है? टोटल लायबिलिटी 28 + 10 = 38 + 2 इज इट 40,000. शेयर्स का टोटल लायबिलिटी आ रहा है 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज गोल टू कैपिटल. अगर कोई प्रीमियम होता तो विल गो टू प्रीमियम. आ गया, दिस इज डन विथ सेकेंड एंट्री. थर्ड एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी. Underwriting commission account debit to A, to B, to C. How much is underwriting commission total? 50, 30, 15 and 5. This is entry number 3 done. And last entry is, can I say net ka aega? Paisa aa kitna raha hai? Journal entry bolo uska. Bank to A, 170. And second कौन सा? बी सी टू what? बैंक. एंड बी से कितना लेना है? 15 देना है ना. और सी को कितना देना है? 5. टोटल कितना आ जाएगा? 20. डन.
Yes, sir. कौन सा बेटा जो फॉर्म एप्लीकेशन का पैसा है अंडररैटर्स तो वो शेयर्स तो उन लोगों को मिलने ही वाला है सो व्हाई डोंट दे पे द फुल अमाउंट नहीं तो ये कंपनी को प्रॉब्लम होगा ना बेटा देन कंपनी विल हैव टू कीप डिफरेंट लेजर अकाउंट्स फॉर एवरीवन ना सो एवरी शेयर होल्डर हैज टू बी ट्रीटेड इक्वालिटी में तो इवन अंडररैटर इज अ शेयर होल्डर ओनली ना राइट नाउ तो अगर मैं इससे एप्लीकेशन मनी ले रहा हूँ तेरे से फुल पैसा रख रहा हूँ तो डोंट यू थिंक सो मेरा अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है बेटा सो आई विल टेक एप्लीकेशन फ्रॉम हर ऑल्सो एंड एप्लीकेशन फ्रॉम यू ऑल्सो एंड डेफिनेटली आई सीरियसली नो कि तेरे को तो अलॉट करना ही करना है बट आई हैव टू स्टिल फॉलो दैट प्रोसेस ना सो इट डज नॉट मेक सेंस टेकिंग फुल मनी फ्रॉम यू एंड नॉट टेकिंग फुल मनी फ्रॉम देम सो इसीलिए एप्लीकेशन मनी लेना है सिर्फ बाद में अलॉटमेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फुल ले लेगा मैं उन लोग से डन एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे और मैं तुम लोग को दो अतरंगी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद आई वॉन्ट यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 7 एंड सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ सिर्फ टेबल पूछे आप सिर्फ टेबल बनाओगे एंट्रीज की जरूरत नहीं है मुझे अभी डन कौन सा क्वेश्चन बोला था 7 हाउ मच इज द नेट लायबिलिटी पी क्यू आर का नेट लायबिलिटी तीनों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है पी का नील क्यू का 88 आर का नील 88 144 आर यू ऑल गेटिंग दैट और उसके बाद टोटल लायबिलिटी पी का 50 148 214 कोई डाउट्स नहीं ना समझ गया अभी दो है ना एकदम अतरंगी क्वेश्चन कराता हूँ मैं ऐसा होता नहीं है बट अभी ये चैप्टर इतना ईजी हो गया था ना तो एग्जामिनर को लगा मैं इसको कॉम्प्लिकेट कैसे करूं सो ही इज जस्ट कॉम्प्लिकेटिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं सॉल्व करेगा फिर तुम लोग डिसाइड करना वहां पे सॉल्यूशंस देख के कि आपको कॉपी करना है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 8 आई एम लुकिंग तुम लोग ने डेल्टा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना एबीसी लिमिटेड एंड अंडरराइटर्स आर पीक्यूआर एक खतरनाक नाम रखा है ना कंपनी का नाम रखते हैं एबीसी लोगों का नाम है पीक्यूआर फर्स्ट वन एबीसी लिमिटेड केम अप विद अ पब्लिक इश्यू ऑफ 3 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 15 पर शेयर पीक्यूआर टुक अंडरराइटिंग इन द इश्यू ऑफ 3:1 with the provisions of firm underwriting of 20, 14 and what guys? 10. Application were received for how much? 2 lakh 40. Excluding what? Firm underwriting. How much was firm underwriting? 20, 14 and 10. 20 plus 14 is 34 plus 10. 44. How much is 20, 14, 30, 44? And they said applications were received for how much? Including or excluding? Excluding. So 240 तो ये है और 44 अलग से 284 and how much was total? 3 lakh 3 lakh minus 284 16 क्या आएगा net ना और 16 में वापस क्या ऐड कर दूं मैं 44 तो 60 क्या आ जाएगा टोटल लायबिलिटी दिस इज ऑफ योर ब्रेन शुड रन कितना सिंपल है 240 बोला जिसके अंदर फॉर्म नहीं था फॉर्म का 44 ऐड किया 240 प्लस 44 ऐड कर दिया तो 284 एप्लीकेशंस आ गया टोटल अपने को 3 lakh इश्यू करना था उसमें से 284 का एप्लीकेशंस आता है 16 बज गया नेट आएगा और उसमें वापस में अगर 44 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा टोटल नेक्स्ट The marked applications are as under 60, 50, 60, 60 plus 60, 120 plus 50, is it 170? Upar applications kitna aaya tha? 240 mein se 70, 170 ye ek, bacha kitna? 70. Can I say 70 is unmarked? Compute the liability of each underwriter as regards to the number of shares to be taken up, assuming that, please underline this entire line now, assuming that
benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter. Assuming that benefit of firm underwriting is not given to whom? क्या फालतू का मस्ती है मालूम है तुम लोग को? मैं तुमको दिखाता है उसका मस्ती हाँ अभी. चलो, हाउ मेनी अंडरराइटर्स? पी क्यू आर. एक और कॉलम बनाता मैं इधर, टोटल. परफेक्ट है. फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? रेशियो ना. What's the ratio? 3 to 1. Next one. Gross liability. I guess the total is 3 lakh in 3 to 1. Is it 150? 1 lakh and 50. And total is what? 3 lakh. Pehle kya minus karenge? Marked. Fir kya minus karenge? फिर क्या माइनस करेंगे? तो अपने को नेट मिल जाएगा और वो प्लस माइनस थोड़ा खेलना पड़ेगा. हाउ मच इज मार्क्ड ऑफ ए? 60 50 60. टोटल इज 170. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दोनों का टोटल 240 था. तो हम लोग ने बैलेंस निकाला 70, बराबर ना? और 70 को कौन सा रेशियो में बांटेंगे? 3 to 1. चलो 17 3 to 1, 35 23 333. पक्का? फिर क्या माइनस करते हो? फर्म कितना है? 20 14. एंड व्हाट आंसर लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो एकदम आराम से, पूरा लाइन अंडरलाइन करने को बोलो. अज्यूम दैट बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू हूम. नॉट गिवन का मतलब इधर ऐसा ऐसा नहीं कि माइनस नहीं करना, इट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर. मतलब ए को अपने फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देने का, बी को अपना फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देने का, सी को अपना फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं देने का. पर बेनिफिट तो देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप बेनिफिट ही नहीं देगा तो आपका नेट लायबिलिटी रॉन्ग आ जाएगा. बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 लाख माइनस 170 माइनस 70 माइनस 44 हैज़ टू कम 16. तो अगर मैं ये माइनस ही नहीं करूं यहां पे, तो ये 16 कहां से आएगा? माइनस करने का, पर इंडिविजुअल अंडरराइटर को उसका बेनिफिट नहीं देने का. मतलब गिव द बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग टू ऑल थ्री ऑफ देम इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. मतलब व्हाट विल आई डू, व्हिच इज वेरी वियर्ड, आई हैव टू डू इट, आई एम फोर्स्ड टू डू दिस, इज 44 इन द रेशियो 3 to 1, 22 14 6 6 7. बकवास, फुल ऑन बकवास. आई यू अंडरस्टैंडिंग ऐसा क्यों किया? देर आर टू क्वेश्चन. एक मैं पहले ही उठा लिया था मिस्टेक से, अभी तक तो वो कराया ही नहीं, अब वो कराएगा. और एक ये, दोनों है ना हमारे जनरल अजम्पशंस को हिला के रख देता है. मतलब इफ यू रीड दिस सॉल्यूशन इन योर पीएम और इन एनी क्लासेस का टेक्स्ट बुक ना, यू विल वंडर व्हाई इट हैज हैपेंड लाइक दिस. इट हैपेंड बिकॉज क्वेश्चन इज टेलिंग. अब यहां पे ए ने कितना ग्रॉस मतलब ये फॉर्म अंडरराइटिंग लिया था? 20, 20. हम लोग ने उसको बेनिफिट दिया 22 का. बी ने कितना लिया था? 14. हम लोग ने उसको बेनिफिट दिया 14 6 6 7 का. सी ने कितना लिया था? 10. हम लोग ने उसको बेनिफिट दिया खाली 7000. मतलब सी खुद 10,000 का एप्लीकेशन भरता है, हम लोग उसको बोलते नहीं तू नहीं भर रहा. अरे मैं भर रहा ना. नहीं पर हम उसको बोले नहीं तू समझ ले तू नहीं भर रहा. अरे यार, सो ही हिमसेल्फ इज वर्किंग एंड वी आर टेलिंग मी नो नो यू आर नॉट वर्किंग.
बिकॉज अल्टीमेटली वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट यार, यहाँ पे उसका अमाउंट ज्यादा कम दिखेगा ना. ही इज टेकिंग 10,000 शेयर, वी आर टेलिंग हिम यू हैव टेकन ओनली 7,333 शेयर. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? कांट. दे विल नॉट अग्री ओनली. Of course, I will not say they will not agree. C will not agree. Or R will not agree. कौन है R ना? He will not agree. P and Q को तो मजा आ जाएगा. मतलब P को हम बोल रहा है, तू कितना शेयर्स ले रहा है? 20. तू 22 ले रहा है. And such a misleading statement. हाँ, such a misleading statement. See, worst come worst, तुम लोग क्या सोचेगा मालूम है? Sir, form minus ही नहीं करता है. If you read a statement literally in English and you will understand, उन्होंने बोला है इसका benefit नहीं देना है, तो what will your brains run? कि सर minus नहीं करते हैं. But do you understand कि अगर मैं minus नहीं करूँ ना, अगर मैं ये amount minus ही नहीं करूँ यहाँ पे, तो कहने से आपका net liability 60 आएगा, जबकि net liability 60 का है ही नहीं. Net liability कितने का बनता है खाली? 16 का ही बनना चाहिए. तो minus किया बट उनको इंडिविजुअली उसका बेनिफिट नहीं दिया. तो कैसे बेनिफिट दिया उनको? रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी में. कॉन्सेप्ट समझा? और एक वियर्ड काम करूंगा अभी. चलो, 150 माइनस 60 माइनस 35 माइनस 22 33 प्लस और माइनस. नेक्स्ट वन, 1 लाख माइनस 50 माइनस 23,333 माइनस 14,667 12 प्लस और माइनस प्लस. एंड द लास्ट वन गाइस, 50,000 माइनस 60,000 माइनस 11,667 माइनस 7,333 29 नेगेटिव. कैन आई से ये 29 नेगेटिव को 29 पॉजिटिव करना पड़ेगा? और नेगेटिव किसको करेंगे? कैन आई से इन दोनों को? इन विच रेशियो? 3:2. 29 इन रेशियो 3:2. एंड सेकेंड वन 17,411,600. So now 33 minus 17,400. 15,600. 400. Is it plus 15,600 plus 400? Is it 16,000? ये क्या मिल गया हम लोग को? फिर क्या करने का? क्या ऐड करने का? कितना मालूम है? 20, 14, 10. Is this sounding weird now? Benefit देते वक्त benefit नहीं दिया, पर जब खरीदने का बात आया, भाई खरीदना तो पड़ेगा तेरे को. और सबसे बड़ी बैंड किसकी बजी इसमें? Benefit कितने का दिया उसको? खाली 7,333 का. पर खरीदना कितना पड़ा उसको? 10,000. Can't do this. And this is, you know, a kind of a person who has created a question कि तुमको marks नहीं देने का. I'm with you guys on that. Because अगर मैं भी पहली time read करूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही आएगा जो मैंने आपको बोला है. मैं maximum क्या करेगा? मतलब मैं form minus ही नहीं करेगा. Got this? But I hope you are understanding why we are doing it. Because वो line का interpretation बरोबर से समझना है आपको. चलो, next one. The total liability now stands at 35,600, 14,400 and 10,000. And if I'm not wrong, my total year comes to 40 now. और वो 40 आना चाहिए था. Got this? Clear? चलो, next. हाँ. 40 नहीं आएगा, 60 आएगा. माई मिस्टेक गाइस. 40 तो फॉर्म था ना, तो सॉरी, फॉर्म कितना था? 44. यहां पे लिख देता ना मैम, तो 44 प्लस 16 है 60. डन. कॉपी करना है कि नहीं आप बाद में सोच लेना. आई टोल्ड यू आई एम गोना डू टू क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन, कम बैक टू क्वेश्चन जो मैं पहले करा रहा था और मैं भी फंस गया था. हाँ, ऐसा करूँ मैं, लिख दूँ पर ट्विटर में भूल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिजॉल्व्ड टू इश्यू 10 लाख इक्विटी शेयर्स
of 10 each at a premium of 1 per share. 1 lakh of the shares were taken up by directors of the company, their relatives, their associates and their friends, and the entire amount was received forthwith. The remaining shares are offered to public and the entire amount has been asked along with what? I guess ye pehle bhi discuss kar chuke. 10 mein se 1 chala gaya. Bacha kitna? 9. Beta pehle ye question pe dhyan. Next one. The issue was underwritten by X, Y and Z for a commission of 2% of the issue price. 65% of the issue was underwritten by X while Y and Z shares at 25% and 10% respectively. Their underwriting was as under. X ka 30, Y ka 20 and Z ka 10. The underwriters were to submit, underline the word, the underwriters were to submit unmarked application for shares underwritten firm with full application money along with members of general public. Last time kahin padhte padhte maine ye statement miss kar diya tha. Did you underline this? Marked applications are as under. X ka 119,500, Y ka 57,500 and Z ka 10,500. Unmarked applications kitna tha? Accounts with the underwriters were promptly settled. You are required to prepare the statement and also pass what? Journal entries. First one. Question number bolo. Who are the three underwriters? X, Y, Z. और मैं वापस एक कॉलम बनाता है टोटल का. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? रेशियो 65%, 25%, 10%. फर्स्ट वन, ग्रॉस लायबिलिटी. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अंडररिटन? 9 लाख का 65%, 585, 225, 90. अब तुम लोग बोलो पहले क्या माइनस करोगे, फिर तो नेट आ जाएगा. हम जो मार्क्ड एप्लीकेशन 119,500, सेकेंड नेक्स्ट टोटल 187,500. हाउ मच है अनमार्क्ड एप्लीकेशन? 7 लाख है ना. इन द रेशियो ऑफ, चलो 7 लाख का 65%, 455, 175, 70. हाउ मच इज फर्म? अब वो 30, 20, 10. अब वो जो लाइन अंडरलाइन किया वो पढ़ने का. Underwriters were to submit unmarked applications along with the general public for the applications submitted firm. ऐसा ही कुछ है ना? क्या बोला underwriter को हम लोग ने कि तुम्हारा firm application भरो पर unmarked होना चाहिए. पर unmarked होना चाहिए. जनरल पब्लिक के साथ फॉर्म भरो. तुम भी जनरल पब्लिक हो. उसका मतलब है कि फॉर्म ऑलरेडी माइनस हो गया. मतलब ये 7 लाख के अंदर फॉर्म भी आ गया. सेम एज दैट वन, सेम एज दैट वन. खाली थोड़ा अलग वे से प्रेजेंट किया, इसको अलग वे से प्रेजेंट किया, पर लॉजिक तो यही गया. यहाँ पे भी वो बेचारा लोग खुद फॉर्म भर रहा है और हम लोग उसको बोलते हैं तेरे फॉर्म को हम लोग क्या काउंट करेगा? अनमार्क. अभी अगर उसको अनमार्क काउंट करेगा तो उसका बेनिफिट कैसा चला गया? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. मतलब दे डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट दे फिल्ड, दे वेर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल ऑफ देम इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. Yes or no? Yes. And again, practically not possible. That's what I told you. This question number 8 and this question number 3 are practically not possible. Yaar, matlab tum log underwriter ko bolta hai, form underwriting application bharo, par mark nahi karne ka uspe. Main duniya se jo form bharata hai, uspe apna stamp marta hai. Aur main apne aap se jo form bharu, uspe stamp nahi maru. Arre to main kaam karega, mera apna form hi nahi bharega. Dusre ko bolega, tu bharna, main tere ko paisa deta hai. Stamp to mar nahi milega.
Because stamping is very important in this, na? Because if I have taken a work, can I say it is counted as my work? Here someone is asking you to do the work, but they are saying it will not be counted as your work. अभी तुम अकाउंट्स का क्रैश कोर्स में बैठा है, फिर वो आईटी का सर बोलेगा राहुल तू सिखा देना आईटी। हाँ चल सिखा देगा, प्रॉब्लम नहीं है, आता है। अरे पर बाद में वो बोलेगा राहुल पैसा तेरे को नहीं देगा मैं, सिखा देना ऊपर। तू ऊपर सिखा, मैं नीचे बैठता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, पेमेंट लेता हूँ, घर जाता हूँ, और तू ऊपर सिखा। मैं पागल हो गया क्या? यस और नो? भाई तू दो पेमेंट दे, एक पेमेंट तो मालूम है ऊपर सिखाने का, दूसरा तू आराम करेगा उसका भी पेमेंट चाहिए मेरे को, है कि नहीं? एंड पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड ना, लास्ट टाइम भी मैं इसीलिए फंस गया, बिकॉज व्हाट हैपेंड यू नो, मैंने फर्म माइनस किया ना, तो कैन आई से ऑल थ्री केम पॉजिटिव, दैट मीन्स एवरीबॉडी हैज डन अ वेरी गुड वर्क। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो माइनस आना चाहिए था ना। उनका मीनिंग था कि वो जो 60 था ना, 30, 20, 10, कहने से वो 7 लाख के अंदर ही आ गया, है ना? अभी एक और चीज समझना था इसके बाद, अभी एक और चीज समझना तुम लोग। चलो 595 माइनस 1,19,500 माइनस 455 10,500 प्लस और माइनस? प्लस। चलो 2,25,000 माइनस 57,500 माइनस 175 7,500 इज इट माइनस एंड द लास्ट वन 90 माइनस 9,000 इज इट प्लस? चलो 9,00,000 माइनस 187,500 माइनस 7,00,000 12,500 मतलब कहने से 12,500 शॉर्ट एप्लीकेशंस है, ये प्लस आ गया, तो कहना इसे इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब कौन से रेशियो में? अच्छा मिस्टेक से, हाँ भाई तुम ऐसा छोटे बच्चों जैसा काम नहीं करना, इस अमाउंट का 65% और 10% नहीं निकालना। हाँ करता है तुम लोग एग्जाम में ये सब, हंसो नहीं, तुम लोग ही करता है। कहना इसे यू शुड टेक अ रेशियो ऑफ 65 वर्सेस 10, सो आई गेस दिस विल बी 6,500 एंड दिस विल बी 1,000, so now I will have 4,000 out 8,500 is the total 12,500 plus firm 30, 20, 10 answer comes to 34, 20, 18,500 this was net liability this was total liability. और क्या समझना था पता है? लोगों को लगता है ऊपर माइनस नहीं किया तो नीचे प्लस कैसे किया? नहीं नहीं, ऊपर माइनस किया, हाँ इसके लिए मेरे को टोटल का कॉलम बनाना पड़ा इस टाइम। अगर मैं ऐसे टोटल कॉलम करके तुम्हें एरो बैरो करके नहीं दिखाऊं ना, तो इंप्रेशन क्या जाए मालूम है? फॉर्म माइनस नहीं हो रहा है। अच्छा ऐड कैसे होगा फिर? नहीं माइनस हो रहा है बिकॉज वो किसके अंदर इंक्लूडेड था? अनमार्क्ड के अंदर। आर वी क्लियर? एग्जाम में जाओ ना, अभी ये कॉपी कर लो दोनों, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करने का और क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस करने का। 4 स्टैंडर्ड है, 8 और 3 एकदम उल्टे वाला क्वेश्चन है। Got this? बोलो। ट्वेंटी है ना? कोई डाउट्स? कॉपी करोगे ये दोनों? थैंक यू बोले इस चैप्टर को? Yes. चलो कॉपी एंड थैंक यू चैप्टर को।